फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग? आज की ध्यान विधि डिस्कस करें हम। ये बड़ी डिफरेंट सी विधि है आज की हमारी, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फिर 15 मिनट की विधि है, छोटी सी विधि है लेकिन बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी ही डिफरेंट टाइप की विधि है। अपने ललाट के दोनों आईब्रोज के बीच में, यहाँ ललाट पे आपको सूक्ष्म प्राण को, सूक्ष्म श्वास को, अपने प्राण को ले आना है, उसको यहाँ पर स्थित कर देना है। उसके बाद वो नींद के टाइम जब हृदय में प्रवेश करेगा तो आपका अपने स्वप्न पे और फिर अपने मृत्यु पे भी अधिकार हो जाता है। मतलब हमें क्या करनी है, ये विधि कैसे करनी है कि हमें अपना ध्यान यहाँ पर ले आना है, अपना तीसरे नेत्र पे हमें अपना ध्यान लेकर जाना है। और जब हम ये ध्यान करेंगे तो हमारी आंखें बंद रहेंगी और जो हमारी ये पुतलियां हैं आंख की, जो आई बॉल्स हैं, वो हमारे स्थिर रहेंगे, ऊपर की तरफ रहेंगे और ध्यान हमारा यहाँ पर रहेगा। आपने कभी गौर किया होगा तो जब बिल्कुल छोटा बच्चा जब वो सो रहा होता है घर में, जो छोटे बच्चे हैं, तो उनकी आई बॉल्स बिल्कुल स्थिर होती हैं। कभी उनको ध्यान से आप देखिए तो ये आंखें उनकी स्टिल रहती हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्वप्न नहीं देखते, ड्रीम्स नहीं आते उनको। और जो लोग ड्रीम्स देखते हैं उनकी आई बॉल्स लगातार हिलती रहती हैं। तो जो स्वप्न वाली नींद होती है वो थोड़ी उथली नींद होती है हमारी, और जो बिना स्वप्न की नींद होती है वो बहुत गहरी नींद होती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग नींद होती है हमारी। तो ये हमें सूक्ष्म श्वास, वो क्या है, वो प्राण है हमारा जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। हम सांस आ रही है, सांस जा रही है, खाली इस वजह से जिंदा नहीं है। उस श्वास के साथ हमारे अंदर एक सूक्ष्म श्वास आता है, एक प्राण हमारे अंदर जाता है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। आपने देखा होगा आजकल जैसे हॉस्पिटल में डेथ होती है किसी की, तो हम कई बार, अभी रिसेंटली मैं भी गई थी किसी को देखने के लिए, तो वो सांस तो चल रही थी क्योंकि वेंटिलेटर पे होते हैं पेशेंट्स, तो ऐसा फील हो रहा था कि सांस भी चल रही है, ये चेस्ट भी ऊपर नीचे हो रही है, बॉडी हिल रही है, जो मूवमेंट बॉडी की होती है सांस की वजह से। तो लेकिन क्या फ़र्क है फिर उसमें, सांस तो चल रही थी, इंसान जिंदा नहीं था क्योंकि उस सांस में प्राण नहीं था। तो जब हम सांस लेते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं अंदर, तो सांस के साथ बहुत एक सूक्ष्म सांस भी हमारे अंदर जाता है, प्राण हमारे अंदर जाता है। तो वो प्राण हमारे अंदर ही रह जाता है और बाकी की सांस जो है वो बाहर आती है। जब सांस हमारी बाहर, जब हम बाहर छोड़ते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें वो प्राण नहीं होता, जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें वो प्राण होता है। तो इस विधि को हम कैसे करेंगे? हाँ, ये जो विधि है आपकी, आप जब चाहें वहाँ ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते आप। ये आपको सिर्फ सोने से 15 मिनट पहले विधि करनी है, सिर्फ सोने से 15 मिनट पहले। तो आप अपने बिस्तर पर लेट जाएंगे, आंखें आप अपने बंद कर लेंगे और अपना आई बॉल्स को स्थिर कर लेंगे और ध्यान अपना यहाँ ले जाएंगे। तो आपने जो सूक्ष्म सांस है उस पर जाने की कोशिश करनी, उसको पकड़ने की, उसका ध्यान, उसको महसूस करने की कोशिश करनी है आपने। ये जो सूक्ष्म सांस, ये जो प्राण है, इसको कई तरीकों से किया जा सकता है, उसको उसका एक्सपीरियंस किया जा सकता है कई तरीकों से। उनमें से एक तरीका ये है, एक है हम हृदय पर ध्यान कर सकते हैं और हम नाभि पर भी कर सकते हैं। तीनों मेथड्स हैं इसके, लेकिन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा इजी है, जो सबसे ज़्यादा जल्दी हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा इजी है जहाँ पे पकड़ना इस चीज़ को, वो है हमारा तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र की वजह से ही हम जो भी सपने देखते हैं हमें वो सच महसूस होते हैं। जब हम सपना देख रहे होते हैं हमें पता नहीं होता कि वो सच है या सपना है, वो तो जब हम नींद से जाग जाते हैं, उठ जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो सपना था, तब तक नहीं पता होता। और अभी हम तीसरे नेत्र पर ही ध्यान करेंगे तो क्या होगा, आपको स्वप्न में भी महसूस होगा, आपको पता चलने लग जाएगा कि वो सपना है और आपका उस पर अधिकार हो जाएगा। आप तो वो सपने क्या होगा, वो विलीन हो जाएंगे, आपको गहरी नींद आने लग जाएगी। जैसे जैसे आप इस वाले ध्यान में उतरेंगे आपकी नींद की टोटल क्वालिटी चेंज हो जाएगी, आपको सपने आने बंद हो जाएंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं रही। अगर आप सपना देख रहे हैं और आपको ये पता है कि वो सपना है तो व्हाट्स द यूज़, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और यहाँ तक ही नहीं, आप इस ध्यान से
अपनी इच्छा के सपने भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस ध्यान से इच्छा के सपने देख सकते हैं या तो सपने आप नहीं देख सकते हैं, आपके सपने सारे टोटली विलीन हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका मृत्यु पर भी अधिकार हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संतों को, बहुत सारे ऐसे खास लोगों को जो अपनी मृत्यु के बारे में बता देते हैं कि उस दिन उस महीने में इतने बजे इस टाइम पे मेरी मृत्यु होगी, 6 महीने पहले वो बता देते हैं। तो वो आप और हम सब हो सकते हैं, क्योंकि ये वाले ध्यान के बाद आपको ये पता चल जाता है कि आपकी मृत्यु भी कब होनी है। आपको आपका मृत्यु पे भी अधिकार हो जाता है और आपका अपने सपनों पे भी। सपनों से शुरू होता है, मृत्यु तक जाता है ये। जैसे बुद्ध और महावीर ने पिछले जन्म में बताया था अपने मृत्यु का, उन्होंने दोनों ने पहले ही बता दिया था और यहाँ तक भी बता दिया था कि मैं अगले जन्म में जहाँ मुझे जन्म लेना है वहाँ मेरी मदर को, मेरी माँ को इस तरह के स्पेशल सपने आएंगे। और वैसा हुआ था, उनकी फैमिली ने, उनके पिता ने पूछा भी था, जो बहुत पहुँचे हुए ज्ञानी लोग थे, कि मेरी वाइफ को, मेरी पत्नी को इस तरह के सपने आ रहे हैं। तो फिर उनका जन्म हुआ, बुद्ध का जन्म हुआ वहाँ पर। ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारा सपनों पर अधिकार होता है, हमारा मृत्यु पे अधिकार होता है। तो आपको सिर्फ 15 मिनट का ये ध्यान है, ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ इसमें आती जाएंगी। तो जो प्राण है वो कैसे पता चल जाता है उनको 6 महीने पहले, क्योंकि जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि जब हम सांस लेते हैं अंदर तो प्राण अंदर जाता है और सांस खाली बाहर आता है। तो लेकिन मृत्यु से 6 महीने पहले ये जो सिक्वेंस है ये टोटली चेंज हो जाता है। 6 महीने पहले अगर आप इस चीज़ में पूरी तरह से उतर पाएंगे, पूरी तरह से इस चीज़ को सीख जाएंगे, तो आपको हर रोज़ फील होगा, क्योंकि हमारी जो सांस के साथ हमारे अंदर प्राण जाता है, हृदय तक जाता है, तो हृदय से वो पूरी बॉडी में जाता है जिसकी वजह से हम जी रहे हैं। तो 6 महीने पहले वो जो प्राण अंदर जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो प्राण अंदर जाना बंद हो जाता है, खाली सांस अंदर जाती है, वो प्राण अंदर नहीं जाता है। दूसरी बात, जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं तो प्राण बाहर आता है। अभी तक हम सारी जिंदगी क्या कर रहे थे, प्राण अंदर रख रहे थे, सांस खाली बाहर फेंक रहे थे। 6 महीने पहले ये क्रम उल्टा हो जाता है, सांस अंदर जाती है लेकिन जब बाहर जाती है तो प्राण को साथ ले जाती है, प्राण बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है। फिर 6 महीनों के बाद खत्म सिलसिला हो जाता है। तो इस ध्यान को आप कीजिए, उसमें जो उसका भाव आपको करना है, आपको यहाँ पे स्थिर रहना है, आई बॉल्स को स्थिर रखना, आंखें बंद करके रखना है। तो उसको भाव को आपने महसूस करना है कि वो सांस के साथ, वो सूक्ष्म सांस, वो प्राण आपके हृदय तक जा रहा है। अगर आप इसको कर पाएंगे तो आपका स्वप्नों पर अधिकार हो जाएगा, मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। इतनी सी विधि है लेकिन बहुत कारगर है। आप इसको 3 दिन तक ट्राई करके देखिए, अगर आपको अच्छा महसूस होता है तो आप इसको 90 दिन तक कर सकते हैं। तो कल फिर एक नई विधि के साथ आपसे मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ध्यान में बने रहिए। आप कोई भी बात मेरे से करना चाहें तो इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की। तो कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी। थैंक यू।